रूस के राष्ट्रपति को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक बहुत बड़ा बयान, और वो ये कह रहे हैं ऐसा लगता है पुतिन अकेले पड़ गए हैं। जो बाइडेन ने कहा, पुतिन ने अपने कई सलाहकारों को नजरबंद भी कर दिया। पुतिन मानेंगे नहीं, यूक्रेन झुकेगा नहीं। 37 दिन से जारी जंगी मैदान से जो खबरें, जो तस्वीरें, जो बयानबाजी निकलकर सामने आ रही है, उससे तो यही लग रहा है कि यूक्रेन और रूस में जारी जंग लंबा खिंचने वाला है। लेकिन ये साफ है कि इस युद्ध में रूस अकेला पड़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किरकिरी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी महसूस कर रहे हैं कि पुतिन अब अकेले पड़ चुके हैं। बाइडेन की माने तो उन्हें रूस पर अब बिल्कुल भरोसा नहीं है। और वही रशिया में घुसकर यूक्रेनियन आर्मी का एक बहुत बड़ा हमला सामने आया है। रूस के बेलगोरोड में यूक्रेन की एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। बेलगोरोड के तेल डिपो पर यूक्रेन ने हमला किया है और यूक्रेन के दो हेलीकॉप्टर्स ने रूस पे एयर स्ट्राइक की है, जिसपे उसके तेल डिपो पर बमबारी करने की कोशिश की गई। अभी तक आपने जंगे मैदान से जो खबरें सुनी, जो तस्वीरें देखी, वो यूक्रेन की तबाही की देखी। अब यूक्रेन ने रूस को दिन में तारे दिखा देने वाले एक्शन को अंजाम दिया। रूस में घुसकर यूक्रेन हमला कर सकता है, ये पुतिन ने और रूस की आर्मी ने सपने में भी नहीं सोचा था। रूस में घुसकर यूक्रेन ने बहुत बड़ा हमला किया। रूस के बेलगोरोड में यूक्रेन ने एयर स्ट्राइक की। यूक्रेन ने रूस के बेलगोरोड के तेल डिपो पर हमला करके उसे तबाह कर दिया। इस एयर स्ट्राइक में यूक्रेन के दो हेलीकॉप्टर्स ने रूस की सरहद में घुसकर कहर मचाया, सीधे ऑयल डिपो को हिट किया। यूक्रेन के इन लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स ने काफी कम ऊंचाई से अटैक किया। यूक्रेन के हमले के बाद रूस का ऑयल डिपो धू धू कर जलता रहा, लपटे आसमान को भी दहलाती रही। देर तक ऑयल डिपो की आग को बुझाने के लिए रूसी जूझते रहे। आसपास के रिहायशी इलाके में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया। बेलगोरोड के गवर्नर के मुताबिक यूक्रेन के इस हमले में इस तेल डिपो के कुछ कर्मचारी भी घायल हो गए। रूस के अंदर हमला तो कर दिया है यूक्रेन ने, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। वहीं मरियोपोल शहर से अहम खबर है। रूस यूक्रेन के बीच यहां पर भीषण जंग चल रही है। सीज फायर के ऐलान के बाद भी रूस के हमले जारी हैं। मरियोपोल में आमने सामने की जंग लड़ रही हैं दोनों सेनाएं। युद्ध के चलते 5000 से भी ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है अकेले मरियोपोल शहर से। दोनों देशों के बीच फायरिंग का एक नया वीडियो सामने आया है, देखिए। यूक्रेन रूस में महासंग्राम, मरियोपोल पर कब्जे का ऐलान, हर तरफ बमबारी, कब्जे की लड़ाई जारी। टैंक मिसाइल का बारूदी प्रहार, 37वें दिन भी तबाही बेशुमार। बैटल ऑफ ग्राउंड से आई ये तस्वीरें देखिए। दनादन तबाही मचाती इन गोलियों की थरथराहट को महसूस करिए। यूक्रेन और रूसी सैनिक एक दूसरे पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग रहे हैं। सड़कों पर रूसी टैंकों का कब्जा है, जिनसे निकलने वाले गोले आग बरसा रहे हैं। कलेजा कपा देने वाली ये खौफनाक तस्वीरें मरियोपोल शहर की हैं, जहां रूसी सेना और यूक्रेनी आर्मी के बीच आमने सामने की जंग चल रही है। मरियोपोल पर कब्जे के लिए रशियन आर्मी तनातन फायरिंग कर रही है। बारूदी गोले और बमबारी की वजह से पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है। बावजूद इसके मरियोपोल को बचाने के लिए यूक्रेन के सैनिक जी जान से जुटे हैं। इस बीच खबर है कि रूस किसी भी वक्त मरियोपोल पर कब्जे का ऐलान कर सकता है। रूसी बमबारी की वजह से पूरा शहर मरघट बन गया है। रिहायशी इलाके पूरी तरह से खंडहर बन चुके। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।